न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश दिनांक 11/11/20 के अनुक्रम में ग्राम पंचायत रैनी में मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित जो गोदाम है और उसमें जो जमीन है, सभी को जो कि विधि विरुद्ध तरीके से अर्जित की गई है, उसको आज कुर्क किया जाता है। कृपया ध्यान दें, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 13/11/2020 में मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन द्वारा अवैध ढंग से अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी मऊ के आदेश के अनुक्रम में आज उप जिला मजिस्ट्रेट सदर की उपस्थिति में कुर्क किया जाता है। ये संपत्ति अवैध ढंग से अर्जित की गई थी और ये संपत्ति भूमाफिया और आपाधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी एवं उनके दोनों साले सरजुल रजा एवं अनवर शहजाद के नाम से थी और इस विकास कंस्ट्रक्शन द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई थी, इसको आज कुर्क किया जाता है। धन्यवाद। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा रकबा 3.424 हेक्टेयर / 15 बीघा है और यह 19 घाटों में ये पूरी जगह है और उसकी कुल कीमत 3,26,887 रुपए है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर जिला अस्पताल मऊ से, और मैं इस दीपोत्सव पे हमारे जो पाँच दिनों का ये उत्सव है, दीपोत्सव है, इसमें आप सभी भाई बहनों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लोग पटाखों का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्वदेशी दिए जलाइए और दिवाली का उत्सव मनाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह, चेयरमैन डायरेक्टर साधना हॉस्पिटल, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दिवाली को अच्छी तरह से मनाएं, पटाखों से दूर रहें, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से बहुत तमाम लोगों को, मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और पटाखे से बहुत से बच्चे जो जल जाते हैं, उनको इंजरी हो जाती है। तो मैं सबसे अनुरोध यही करता हूं कि आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं, दियों की दिवाली मनाएं और चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें और कोशिश करें कि सबके घरों में खुशियां हों, सब लोग एक अच्छी दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मैं अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी मऊ, अपने और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूरे जनपद को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, सभी लोग सुखी संपन्न रहें, यही मनोकामना हमारी है और पार्टी की भी है।